सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में LLM में पढ़ने वाली एक लड़की पिछले 3-4 दिनों से गायब है। गायब होने से पहले लड़की ने अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला था जो वायरल हो गया। इस वीडियो में लड़की ने आरोप लगाया है कि एक स्वामी जो अपने आप को बहुत ताकतवर बताता है, जो कहता है कि प्रशासन और पुलिस उसकी जेब में रहते हैं, उसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। आगे उस वीडियो में लड़की कहती है कि सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि मेरी तरह बहुत सारी लड़कियों की ज़िंदगी भी उसने तबाह की है। उस लड़की के पिता से मैं अभी बात करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और मुकदमा दर्ज जो हुआ है, जिस स्वामी का जिक्र उस लड़की ने किया है, वो स्वामी चिन्मयानंद हैं जो भारत सरकार में गृह राज्य मंत्री रहे हैं। जब वाजपेयी जी की सरकार थी तो उस सरकार में गृह राज्य मंत्री थे स्वामी चिन्मयानंद, और स्वामी चिन्मयानंद पर पहले भी कई गंभीर आरोप लग चुके हैं। इस बार इस लड़की ने जब से आरोप लगाया है, वीडियो वायरल हुआ है, उसके बाद से वो गायब हो गई है। उसके गायब होने की बात या FIR पुलिस ने घर परिवार वालों के रोने पीटने और मीडिया के दबाव में दर्ज किया। इसलिए अब जो हालात हैं और पुलिस का जो रवैया है, लड़की के बारे में परिवार का जो अंदेशा है वो क्या है, ये जानना ज़रूरी है। देश के सामने इस खबर का, इस पूरे मामले का हमेशा रहना ज़रूरी है। लिहाजा मेरी कोशिश है कि मैं उस लड़की के पिता को फ़ोन लगाऊं और उनसे बात करूं। हेलो जी, नमस्कार, मैं दिल्ली से राणा यशवंत बोल रहा हूं। जी सर, ये आपकी बिटिया गायब हुई है? जी। कितने दिनों से गायब है? 4 दिन हो गए हैं। पुलिस ने मामला पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आपको लगता है कि पुलिस कुछ कर रही है? पुलिस मामला दर्ज तो किया था, बता भी रहे, कुछ लगा रखी वो टीम है, कुछ हमको नहीं बता रही कोई रिस्पॉन्स। थोड़ा सा कहाँ है, क्या है, कुछ नहीं मिल रहा। पुलिस कह क्या रही है? तो बड़ी मजबूरी में, मीडिया के दबाव में, आप लोगों के दबाव में, तो ये FIR दर्ज किए। नहीं तो वो तो शेर है यहाँ का स्वामी चिन्मयानंद, हम तो शेर के मुंह में डाल दिए गए, मांड के अंदर पड़ा हुआ परिवार वो कभी भी खा जाएगा हमको कहीं। ये चिन्मयानंद के ऊपर शक इसलिए गया है कि बिटिया ने चिन्मयानंद का नाम लिया था? चिन्मयानंद पर शक इसलिए गया है कि उसने अपने वीडियो में उनका नाम लिया था? हाँ, नाम लिया था संत और क्या नाम है ये कह रहा हूँ कि आपको कैसे शक हुआ कि चिन्मयानंद का ही हाथ है बेटी के अपहरण के पीछे, अगवा होने के पीछे? ऐसा आप वीडियो जो वायरल हुआ उसमें वो साधु सर और उसकी सन्यासी की बात कर रही है, तो हमारे शाहजहांपुर में उसी का केवल एक कॉलेज है, डिग्री कॉलेज, उसी में स्वामी चिन्मयानंद का ही है, वही सन्यासी है, वही साधु है, वही सब कुछ है यहाँ का। कभी बेटी ने यह परेशानी आपसे साझा की थी कि चिन्मयानंद के साथ मतलब इस तरह की जाति उसके ऊपर हो रही है? नहीं, साझा नहीं की कभी कोई बात। चिन्मयानंद के लोगों की तरफ से आपको कोई धमकी वगैरह मिली? नहीं, अभी तक तो कोई धमकी किसी टाइप की नहीं है आज तक। आपको ये पूरा भरोसा है कि आपकी बेटी के अगवा होने के पीछे चिन्मयानंद का ही हाथ है? और इन्हीं का हाथ है, इन्हीं के कॉलेज से गायब है, इन्हीं के हॉस्टल में थी, वो हॉस्टल में रह रही थी वहाँ। ये हॉस्टल जो है वो चिन्मयानंद के कॉलेज का है? हाँ, उसी कॉलेज का हॉस्टल है, लॉ कॉलेज का हॉस्टल है, आपकी लड़कियाँ रहती हैं। आपकी बेटी जिस लॉ कॉलेज में पढ़ रही थी वो कॉलेज चिन्मयानंद का है? हाँ, स्वामी चिन्मयानंद का जी। जी, चिन्मयानंद के बारे में आपकी अपनी क्या राय है? हमारी अपनी राय तो यही, स्वामी चिन्मयानंद को कुछ सही आदमी तो है नहीं था। इससे पहले भी दो मामले मुकदमे
अभी बेचारा जी में चल रहे हैं, इससे चल रहा है हाईकोर्ट का, इलाहाबाद का अखबारों में आज निकला, कल निकला है। ये सभी तो पहले से जुमिल पड़ी हुई है और ये काम ये करता रहता, बेफिक्र होकर लेता है, मंत्री रह चुका था केंद्रीय राज्य मंत्री उसका गृह मंत्रालय में अटल सरकार में, सबको मालूम है जी। आपकी आखिरी बात बेटी से कब हुई थी? मेरी आखिरी बात तो बस फेस टू फेस तो बस रक्षाबंधन पर हुई थी, और उसके बाद जब मम्मी के बीच बीच में बात होती रही, मगर 23 तारीख को फिर मोबाइल बंद जाने लगा, फिर वो 24 तारीख को हमारी मीटिंग की बात हुई थी 5:54 पे, बस 1 मिनट 1.5 मिनट। ये 24 तारीख को? जी सर। 24 तारीख के बाद से आपकी और आपकी बेटी के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई? नहीं, किसी हमारे परिवार के किसी से भी कोई भी बात किसी किस्म की नहीं हो पा रही है, कुछ नहीं हो पा रहा। बेटी ने जब वीडियो डाला था सोशल मीडिया पर तो उसकी जानकारी आपको मिली? हाँ, उसकी जानकारी हमको मिली थी पेपर के द्वारा। सबसे पहले पेपर आया था, हमारा अमर उजाला जाता है डेली जी, जब मैंने अमर उजाला पढ़ा तो मुझे सुस्तक हुआ कि हमारी लड़की का भी फोन कल से बंद जा रहा है, और मैसेज भी देख के आई है, वो ताला बंद पड़ा है कमरे का, तो उसका बोर्ड भी नहीं लग रहा है, ऐसा तो नहीं है कि हमारी लड़की से संबंधित मैटर हो। तो फिर मैंने उसकी वीडियो क्लिपिंग धुलवाई, बच्चों को जगाया सुबह 7 बजे मैंने उसके, तो बच्चों ने देखा कि वो हमारी बच्ची की वीडियो क्लिपिंग है। यानी कि जब आपको ये लगा कि मेरी बेटी का वीडियो हो सकता है, आपने जब वीडियो देखा तो आपने अपनी बच्ची के बारे में पता करना चाहा, तो बच्ची आपकी गायब थी? जब आपने वीडियो क्लिप देखा तो आपने अपनी बेटी संपर्क किया तो उसका फोन बंद था? हाँ, तब भी बंद था, बंद तो वो पहले से था, 23 तारीख से फोन बंद है। अच्छा, नहीं आपने कहा ना कि 24 तारीख को आपकी आखिरी बातचीत हुई है बेटी से? हाँ, 24 तारीख मेरी नहीं बात हुई, मेरी मिसेज की बात हुई थी। अच्छा, आपकी पत्नी की बातचीत, माने माँ और बेटी की बातचीत 24 को हुई है, उसके पहले घर आई थी राखी के दिन? हाँ, राखी के लिए आई थी, और राखी वाले दिन ये आशंका व्यक्त कर रही थी, तो मैंने डांटा था इस बात में, तब वो अपने मन दबाए हुए मन में कोई बात होगी, तो हमने कहा बेटा मोबाइल बहुत बंद रखने लगी, तुम क्यों बंद करते हो फोन को, मोबाइल को, भाई हमारी तबीयत खराब रहती है साहब। हमने कि हम तो 8% है बेटा, मेरी तबीयत खराब होती है, कभी बीपी हाई होता है, कभी लो होता है, तो मैं इस बात का ध्यान रखना चाहिए, मोबाइल बंद कर लेती हूँ तो बेचैनी घबराहट हो जाती है। बेटा लड़की का मामला, फोन सही रखा करो, ओके रखो, चालू रखो फोन को, क्या हो गया मोबाइल में तुम्हारे। फिर वो हम लोगों को और मम्मी को अपनी समझाने लगी, ऐसा था वो मोबाइल खराब हो गया, रिचार्ज नहीं था, वो दुनिया भर की बच्चे हैं बातें करते हैं। मैंने चलो कोई बात नहीं, अब आईना मत करना ऐसा, तो बोली कि ऐसा नहीं है पापा, तुम मत परेशान हुआ करो। वो बोले 1 से 2 दिन या 1.5 दिन मेरा फोन बंद रहे या 2 दिन बंद रहे तो समझ लेना मैं किसी बड़ी मुसीबत में हूँ, ये कहकर तो वो रक्षाबंधन में यहाँ से कही है, फेस टू फेस मुझसे कह के गई है। मतलब आपकी बेटी ने ये कहा कि पापा अगर 2 दिनों तक मेरा मोबाइल बंद रहे तो समझ लो कि मैं बहुत बड़ी परेशानी में हूँ, अब तो मोबाइल 4 दिन से बंद है, बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ पापा, ये समझ लेना। बोले आप ये रक्षाबंधन पर बात कही है, रक्षाबंधन मुझे भाई है, भाई के लिए टीका है उसका। ये बताइए, आपकी बेटी ने वीडियो में कहा था कि इस आदमी ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है और मेरी तरह बहुत सारी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की है, बेटी ने बाप से ना सही, माँ से कभी कुछ कहा नहीं? नहीं, माँ से नहीं कुछ कहा, हमने उसको कदम कदम खिला के अपनी पाइप से पूछ लिया, अगर कुछ हमने तुम्हें कुछ मालूम हो तो बता दो, कोई बात अकेले में कही हो तो बहुत कुछ कहा, बोले नहीं हमको नहीं मालूम, उसने नहीं कोई बात ऐसी बताई, ऐसी कोई बात होती तो हम पढ़ाई बंद करा देते, स्कूल जाना बंद, नाम कटवा देते, LLM नहीं करवाते तो जरूरी अल्लाह, LLB तो हो ही गई थी, यही हम भी कह रहे थे बेटा बंद कर दो पढ़ाई को, LLM की क्या जरूरत है, मास्टर डिग्री है उसका क्या नतीजा है, मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, ये साल भर कचहरी में बैठ जाओ, उसके बाद तुम्हारी शादी होनी है, हमने क्यों और हम लोग क्या करना, हमारा उद्देश्य खत्म, उसके बाद तुम अपने हस्बैंड के साथ चाहे वकालत करना या ना करना, अगर वो कहे तो कर लेना, वरना तुम्हारे पास एक डिग्री आभूषण की तरह रखी रहेगी, जेवर की तरह, कभी कोई इमरजेंसी आ जाए तो बेटा कचेरी में जाना अपने हस्बैंड के कहने पर, हम उसको बहुत समझाते थे। कितनी दूर है घर कॉलेज से, क्योंकि बेटी घर से दूर होगी तभी वो कॉलेज के हॉस्टल में रह रही है? हाँ, यहाँ से 4-5 किलोमीटर है घर से। 5 किलोमीटर है,
यानी आपको लगता है कि बेटी जो है वो सारा सितम, सारी तकलीफ, सारा जुल्म अपने ऊपर अकेले झेलती रही, और जब उससे रहा नहीं गया तब उसने वीडियो बना करके दुनिया को बताया है। हाँ, पूरा खतरा लग रहा है क्योंकि वो वीडियो जो रोते हुए वायरल कर रही है, यानी कोई मजबूरी में है वो, कोई दिक्कत में रोकर थोड़ी ना वीडियो वायरल करती है। और इधर स्वामी जी ने कोई फैसला खेल दिया 22 तारीख का कि पैसा मांगा जा रहा है, मैसेज आया है, पता नहीं कौन लड़का उसको मैसेज कर रहा है स्वामी चिन्मानंद को, तो वो मामला हमारे मामले से जोड़ दिया गया, ये भी खबर है साहब। हाँ, चिन्मयानंद की तरफ से एक शिकायत दर्ज कराई गई है कि उनसे पैसा मांगा गया और उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई कि अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो एक वीडियो जो है आपके खिलाफ वायरल कर दिया जाएगा। हाँ, तो वो ये बात हमारे मामले से जुड़ी, हमारी किसी के मैटर से इस मामले का कोई लेना देना नहीं, और जो ये वायरल करने वाला है वो तो कोई युवक है, उसको पकड़ लो, हमसे क्या लेना देना, मेरी बच्ची को आप बरामद करो, हमारी लड़की को बरामद करो, हम पुलिस से कह रहे हैं, एसपी से भी कह रहे हैं, डीएम से भी कहा, ये आप हमको क्या समझा रहे हैं, इस मामले को आप क्यों तोड़ पकड़ा रहे हैं, ये अपना अलग देखिए मैटर, आप कौन से उससे रंगदारी मांग रहा है, पकड़ लो, बंद करो, उठा के जेल में डालिए उसको। आप हॉस्टल में वार्डन होते हैं, हॉस्टल में गार्ड होते हैं, अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं, किसी को कोई जानकारी नहीं है? नहीं साहब, जिस दिन हमारी मिसेज गई थी उस दिन जन्माष्टमी 2 दिन चली थी पूरे देश में, आपको पता है जी, तो जन्माष्टमी 2 दिन चली थी, तो जन्माष्टमी होने के कारण वहाँ के जो बच्चे थे, लड़कियाँ थी, वो सब बेचारी घर गई हुई थी, और लगभग सभी में ताला हुआ था, सभी कमरों में, तो हॉस्टल के सभी कमरों में ताला था, बच्चे अपने अपने घर गए हुए थे। तो आपकी बेटी के कमरे पर भी ताला था? हाँ, मेरी बेटी के कमरे में ताला था और ताला पड़ा हुआ है आज भी, उसका फोन भी करा था तहरीर में कि उसे सीज कर दिया जाए, अभी वो सीज भी नहीं किया गया। उसका फोन तब भी बंद था? जी हाँ, बंद था, तभी तो मेरी मिसेज हॉस्टल में देखने गई, बात तो यही है साहब, मोबाइल पर बात होती रहती तो वो हॉस्टल नहीं जाती है, हम लोग हॉस्टल में क्या काम माँ बाप का गार्जियन करना, इतना टाइम है, मेरी वाइफ भी टीचर है वो भी पढ़ा रही है, ना उनके पास समय है, वो इतना कहाँ कौन देखभाल कर पाएगा। चिन्मयानंद कहाँ है आपको पता है? लापता बता रहे हैं, अभी हमारे पास कई बेचारे पत्रकार महोदय आए थे अच्छे अच्छे चैनलों के, तो एक साथ रेडी भी के आए थे, कह रहे हैं वो तो फरार हो गए, वो तो ये कह रहे हैं, यहाँ तक कह रहे हैं कि हम उनको रोड से घूम रहे हैं, सुबह से टीम आई हुई है, सबसे पहले आपके यहाँ, पहले वहाँ, फिर यहाँ, सब जगह होते हुए आ रहे हैं, चिन्मयानंद को हम पता लगाते घूम रहे हैं, वो तो फरार है, बहुत बुरा हाल है उसका, बता ये कह रहे हैं वो। यानी कि जिस आदमी पर आप शक कर रहे हैं, अपनी बेटी के अगवा होने के पीछे उसका हाथ बता रहे हैं, वो आदमी अगर फरार है तो आपका शक तो कहीं ना कहीं सही लग रहा है। तो कुछ शक का होता जा रहा है, आप कुछ सोच लीजिए। पुलिस प्रशासन का कहना यह है कि छापेमारियां चल रही हैं और उनकी तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक वो मिले नहीं। आपको लगता है कि पुलिस जो कुछ भी कर रही है ईमानदारी से कर रही है? नहीं, कमाल ही नहीं होता, ये तो नौटंकी कर रही है, उनके मारे में छापेमारी कर रही है, स्वामी जी के लिए झूठ बोल रही, पुलिस झूठ बोल रही है। हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपके साथ हैं, और जब तक आपकी बेटी सामने नहीं आती है तब तक हम आपके संपर्क में रहेंगे, पुलिस के संपर्क में रहेंगे, और हम देश के लोगों को बताते रहेंगे, कोई भी ताकतवर रसूखदार नेता या साधु संन्यासी कहा जाने वाला तथाकथित, वो अपने बूते, ये सन्यासी की देश में भेड़िया है साहब, ये भेड़िया शेर बपर शेर है, इसको सब लोग बच्चा बच्चा ताजापुर का, पूरे जनपद का, आसपास के हरदोई, फरुखाबाद, सीतापुर का, आसपास के 10-12 जिलों के लोग चिन्मयानंद के करेक्टर और चरित्र सबके बारे में जानते हैं, ये मेरा जो मामला बना है तीसरा मामला है, दो मामले इसके ऊपर पहले से विचाराधीन है, चल रहे हैं। आपकी बिटिया ने अपने वीडियो में कहा है कि मेरा तो छोड़िए, मेरी तरह बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी इसने तबाह की है, आपको लगता है ना कि इस तरह की आदमी है? इस तरीके का ये काम करता रहता है, बेफिक्र होकर पैसा सत्ता के साथ, सत्ता इसकी, सरकार इसकी, शासन इसका, क्योंकि मेरा छोटा भाई है, मैं जो कहूंगा वो होगा, सब बच्चों से ये कहता था, LLM वालों से, लॉ वालों से, चाहे वो MA कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, किसी किसी थोड़े बच्चे आप जानते हैं शरारती होते हैं कॉलेजों के अंदर जी, तो बच्चे जब मेरी बेटी आ गए सब बातें बताती थी, ये बताता कि योगी मेरा छोटा भाई है, आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री,
बताइए, ये है, ये स्थिति चल रही है पूरे प्रदेश की, बर्दाश्त हो रहा हूँ बच्चे के लिए, बच्चों क्या पता सियासत क्या होती है, सियासत में उस लड़की को फांस दिया कहीं पर, हमारी लड़की को उलझन में डाल दिया पूरे परिवार को मेरे, धमकी दे ही रहा कि मार डालूंगा सबको, मरवा दूंगा परिवार को, मरवा दूंगा और आपको मरवा दूंगा लड़की के लिए, निकाल उसने वीडियो वायरल में पूरे बात कहे हैं, और उसके बाद भी कल जब एफ आई आर लिखी है तो बहुत डिले लिखी है, और उसके बाद एसपी डीएम और सीडीओ वगैरह सबने धमकी दी है, आप अपना अच्छा बुरा सोच लीजिए, आपको पता है किस व्यक्ति के खिलाफ आप एफ आई आर लिखा रहे हैं, मैंने कहा हाँ मुझको मार देगा खा जाएगा सर, आप एफ आई आर लिख दीजिए बस, मैंने कहा हम नहीं करते, मार डाल मौत हो जाएगी मेरी और क्या होगा। मैं अभी एक मिनट के लिए आपको रोक रहा हूं, मैं बाकी जो दर्शक हैं उनसे बात करना चाहता हूं। मेरे साथ ये पिता हैं शाहजहांपुर में, एक लड़की जो एलएलएम पढ़ती थी, चिन्मयानंद के कॉलेज में पढ़ती थी, और वो लड़की 14 तारीख के बाद से गायब है। उसका फ़ोन बंद था कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, उसकी माँ जो कि पढ़ाती हैं वो जब फ़ोन बंद था तो देखने के लिए गई, तो हॉस्टल में सारे कमरे बंद थे, लड़के अपने घर गए थे, लड़कियां भी घर गई होंगी, लेकिन उनकी बच्ची का भी कमरा बंद था, यानी कि मोबाइल तो पहले से बंद था, कमरा भी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन से बंद है। पिता हार्ट के पेशेंट हैं, लगातार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, रो रहे हैं। एक जवान बेटी किसी बाप की कहीं गायब हो जाती हो और उसके पहले वो अपना वीडियो डाल के रखती हो कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मेरे परिवार को तबाह किया जा सकता है, मारा जा सकता है, मुझे डर है इस बात का, और लड़की उसके बाद से लगातार गायब है। पुलिस कहती है कि वो दबिश कर रही है, चिन्मयानंद की तलाश कर रही है, लड़की की भी तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। जो बच्ची के पिता हैं वो बार बार कहते हैं कि पुलिस जो कुछ भी कर रही है वो नौटंकी कर रही है, दिखावे के लिए कर रही है, मीडिया के दबाव में कर रही है, पुलिस की मंशा है नहीं। और चिन्मयानंद जैसे लोग बार बार इस बात की धमकी देते थे या धौंस देते थे कि यह पूरा प्रशासन, यहाँ की सरकार मेरी है, और इसी सरकार प्रशासन के बूते वहाँ जो कुछ भी उनसे बन पड़ता था वो करते रहते थे। उस बच्ची का वीडियो कहता है कि चिन्मयानंद एक खूंखार और बहुत ही वाहियात किस्म का आदमी है जिसने बच्चियों की ज़िंदगी तबाह की है, इस आदमी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चिन्मयानंद फिलहाल फरार है। आखिरी सवाल मेरा आपसे है, आप चूँकि लगातार अपनी बेटी की तलाश में हैं, आपको कहीं कोई गुंजाइश, कहीं कोई उम्मीद दिखती है कि आपकी बेटी आ जाएगी? जो पिता है हम तो बस यही चाहते हैं कि बेटी मेरी सही चला कहीं से मिल जाए मुझको, बस और क्या चाहिए जी। हमको ना कोई राजनेता बनना, कोई नेता बनना, ना कोई हमें प्रसिद्धि चाहिए, ना फेमस चाहिए, ये तो आप लोगों की मेहरबानी है चैनलों की, ये कुछ छोटी सी दो धाराओं का मुकदमा दर्ज कर दिया और उन्होंने, और बाकी जो धाराएं बनती थी वो भी स्वामी चिन्मयानंद को नहीं लगाई है, सोशल में लिखा राजनीतिक वीडियो वायरल में लिखा क्यों नहीं आप लड़की, वो धारा आ रहा कि नहीं बदल लगाई उन्होंने। हम अनुचित जी बोलिए बोलिए, जो उचित धाराएं थी उन धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं करा हमारी तहरीर के आधार पर, उस तहरीर को भी कहते रहे गुमशुदगी दे दीजिए, ये बहुत खतरनाक मामला हो जाएगा, ये हो जाएगा, हमने कहा हो जाएगा तो आप क्या घबराने में, आपकी बर्दी बची रहेगी, आप मुकदमा लिख दो, आपकी स्टार बचे रहेंगे, आप कप्तान बने रहेंगे, कारदार बने रहेंगे। ये हमारी पुलिस का रवैया है, एक पिता अपनी बेटी की गुमशुदगी की रपट लिखाने के लिए जाता है तो कहते हैं कि आप रख दीजिए अपनी तहरीर, हम बाद में देख लेंगे, आप क्यों परेशान हैं। वो बाप लगातार लड़ाई लड़ता है कि जो कुछ भी होगा मेरे साथ हो जाएगा, मुझे कोई मार देगा मार दिया जाए, मेरा परिवार तबाह हो जाएगा, हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी बेटी अगर नहीं मिल रही है तो मेरी बेटी मेरे सामने आनी चाहिए, और उसके गायब होने के पीछे जिस आदमी पर मेरा शक है उस आदमी से पूछताछ होनी चाहिए, लेकिन पुलिस उस आदमी पर मजबूती से हाथ रखने से पीछे हट रही है। ये बार बार होता है, एक आम आदमी लगातार पुलिस की नाकाहली, निकम्मेपन और उसके वाहियात व्यवहार का शिकार होता है। ये बच्ची जो गायब है शाहजहांपुर से, जब तक नहीं आती है तब तक द फ्रंट की ये मुहिम लगातार जारी रहेगी। हम रोज़ आपसे मिलेंगे, हम पुलिस से बात करेंगे, यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात करेंगे, और आप पिता हैं मैं आपके संपर्क में रोज़ रहूँगा, मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपकी बेटी के गायब होने के पीछे जिस किसी भी आदमी का हाथ है वो कानून के शिकंजे में आना चाहिए, सलाखों के पीछे जाना चाहिए, आपकी बेटी आप तक पहुँचनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अपनी बेटी को लेकर के एक पिता कितना परेशान है, आपने उनको सुना, आपको अंदाज़ा हो गया होगा बेटी किस हाल में है, उसने अपना वीडियो किस तरीके से रिकॉर्ड कराया और वीडियो में वो क्या कह रही है। इस वीडियो को आप सुनिए और सुन करके समझिए कि जब कभी भी कोई ताकतवर आदमी किसी बच्ची के ऊपर जुल्म करता है
तो कितना लाचार, मजबूर और अपने परिवार को लेकर डरी हुई रहती है। मैं शाहजहानपुर से एसएस लॉ कॉलेज से एलएलएम कर रही हूँ। संत समाज का एक बहुत बड़ा नेता जो कि बहुत लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है और मुझे भी जान से मारने की धमकी देता है। मुझे मोदी जी और योगी जी से एक रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज मेरी मदद करें। उसने मेरे परिवार तक को मारने की धमकी दी है। मुझे पता है मैं इस टाइम कैसे रह रही हूँ। मोदी जी प्लीज प्लीज मेरी हेल्प करिए। आप वो सन्यासी पुलिस डीएम सबको अपनी जेब में रखता है, इस बात की धमकी देता है वो। कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास उसके खिलाफ सारे एविडेंस हैं। मुझे प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट आप लोगों से कि आप मुझे प्लीज इंसाफ दिलाइए। उन्नाव के मामले को लेकर के पूरे देश में खलबली हमेशा से बनी रही और हाल ही में जब बच्ची को एक्सीडेंट के तहत मारने की कोशिश की गई थी तो यह बात पूरे देश में आग की तरह फैली, खबर लगातार मीडिया में चलती रही। आज वो लड़की जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। पिता को गंवा चुकी है, चाचा को गंवा चुकी है, चाची गंवा चुकी है, मौसी गंवा चुकी है, एक गवाह भी मारा जा चुका है। ये होता है हमारे मुल्क में एक ताकतवर आदमी के खिलाफ इंसाफ के लिए आवाज़ उठाना, उससे लड़ना। अब एक नया मामला शाहजहांपुर में है। एक ताकतवर स्वामी, तथा कथित स्वामी, जो रसूखदार है, जो बहुत पैसे वाला है और बहुत सारे कॉलेजेस चलते हैं, इंस्टीट्यूशंस उसके चलते हैं, उसका दावा है कि उसकी जेब में सरकार चलती है। लेकिन इस देश का आम आदमी आखिर इंसाफ की लड़ाई क्यों नहीं लड़ेगा और वो इस हाल में क्यों रहेगा? वो बार बार अपने को लाचार, मजबूर, हताश और बिना किसी मदद के चौराहे पर खड़ा हुआ क्यों पाएगा? इस देश में एक आवाज़ हमेशा मजबूत रहनी चाहिए, वो इंसाफ की आवाज़ है, चाहे उसके खिलाफ कोई भी खड़ा हो, चाहे जितना ताकतवर हो। द फ्रंट इस मामले को एक अभियान के तौर पर ले रहा है। ये बच्ची जब तक घर वापस नहीं आ जाती है, और भगवान करे कि वो सही सलामत हो, और जब तक उसको अगवा करने वाले या उस पर जुल्म करने वाले लोग सलाखों के पीछे नहीं चले जाते हैं, हमारी यह मुहिम जारी रहेगी। हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़िए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।